हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर स्लीव बना के दिखाऊंगी जो कि पफ स्लीव रहेगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, तो आपको इसका मैं बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसका मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। स्लीव की लेंथ मैंने 5 इंचज़ रखी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। लेंथ लेने के बाद हम इसके आर्म होल की जो हमें डेप्थ चाहिए उसकी जो लेंथ रख रहे हैं हम, वो 7 इंचज़ पे मैं रखूँगी। आपकी जितनी भी हो आर्म होल की डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो मैंने 7 इंचज़ रखा है। इस तरह से मैं एक मार्क लगा दूँगी। फिर इसके हम डाउन आएंगे, 2.2 इंचज़ पे मैं निशान लगाऊंगी जो कि हमें आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए निशान लगाना होता है वो। अब मैं इसके बॉटम का निशान लगाऊंगी। तो आपका जो भी बॉटम हो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैंने 5 इंचेस पे निशान लगाया है। इसके बाद हम इस तरह से एक लाइन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद ऊपर साइड से मैं जो है वो 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो देखिए, इससे मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी गुलाई का शेप दूंगी। अगर आप चाहें तो शेपर की हेल्प से भी आप स्लीव की गुलाई का शेप दे सकते हैं। अंदर और बाहर दोनों के शेप निशान लगाऊंगी मैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट ये मैंने निशान लगा दिया है। 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। हम थोड़ा सा उसको अच्छे से मैं शेप दे दूंगी। तो देखिए, इस तरह से मेरी ये शेप मैंने दे दिया है। इसकी मार्किंग हो चुकी है मेरी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जो हमने आउटलाइन जितने हैं सिर्फ उसकी ही कटिंग करनी है, और जो इनर है उसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। जो गुलाई का शेप अंदर की होती है वो बाद में हम कर लेंगे। तो देखिए, इससे मैंने कटिंग कर ली है। मैं इसको ओपन कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर की कटिंग भी कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मुझे इसको मैं बीच में से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद मुझे इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम साइड से लेंगे, हम ऊपर साइड से लेंगे हम 1.5 इंचज़, और नीचे से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मुझे दो निशान मिल गए। मुझे इसमें गुलाई का शेप दे दूंगी मैं। अगर आप चाहे तो पहले बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप गुलाई का शेप दे दीजिए। आप चाहे तो इसमें कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें एक शेप बना दिया है। शेप बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो 2.5 की जगह 3 इंच, 4 इंच, आप जितना भी रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप दिखेगा इसमें, आप देख सकते हैं ये। इसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक था इस पर मैं इसे रख के अच्छे से बिछा लूँगी। फिर इसे पिनअप कर लूँगी। तो देखिए, इसे मैंने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो साइड साइड से हमें सिलाई करनी है। लगभग हाफ इंच के लगभग हमें सिलाई डालनी है इसमें। तो आइए मैं इसमें स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, एक स्लीव की सिलाई मैंने कर ली है। अब मैं आपको दूसरी स्लीव को भी ऐसे ही स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके रिमूव कर दूंगी। उसके बाद इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें तो अच्छे से ये टर्न हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इस तरह से मैं दोनों पीसेस पे, जो हमारे स्लीव के दोनों पीस हैं उस पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा देती हूँ। थ्रेड नहीं कटना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, इस तरह से हमें करना है। इसमें बिल्कुल बहुत इजी है ये। आप ज़रूर इस स्लीव को बनाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है बनने के बाद। आप इस स्लीव का यूज़ ब्लाउज़ में, कुर्तीज़ में, बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह में, या फिर कहीं पे भी आप इस स्लीव को बना सकते हो। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और ये बहुत ट्रेंडी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों स्लीव में छोटे छोटे कट्स लगा दी हैं। अब मैं इसको आपको टर्न करके दिखाऊंगी। तो साइड से मैंने जगह छोड़ी थी, वहाँ से मैं इस फैब्रिक को टर्न करूँगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता के रखा है कि मैं इसे कैसे टर्न करती हूँ, तो आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो आप बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद इस पे मैं आयरन कर लूँगी। तो देखिए दोनों स्लीपे मैंने आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब मैं इसमें डिज़ाइन जो हमें डालनी है, इसके लिए मैं इसका सबसे पहले जो गैपिंग है वो देख लेती हूँ। तो मैं 3.5 इंच के लगभग रखूँगी, क्योंकि 1/2 इंच मेरा नीचे साइड सिलाई में चला जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। आपको जितनी भी इसकी लेंथ रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। तो देखिए इस तरह से हम रख लेंगे इसको। बीच में से मैं फोल्ड कर देती हूँ। फिर इस तरह से भी देखेंगे तो 3 इंचेस आ रहे हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। तो इसकी गैपिंग देखने के लिए सबसे अच्छा मैथड है, आप स्लीव को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। फिर आप इस तरह से इंच टेप को इस तरह से रखिए। फिर आपको जितना भी आया उसमें से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि वो सिलाई में अंदर चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे रख लेंगे। इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अलग सा फैब्रिक ले रखा है जो कि प्रिंटेड है। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए जितना भी आपको कपड़ा चाहिए। इसमें मैंने एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है, वो मैं कट कर दूंगी बाद में। इस तरह से हमें सिर्फ प्लेट्स बनानी है इसमें छोटी छोटी करके। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे। आइए मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ। फैब्रिक के दोनों साइड पे हमें प्लेट्स डालनी हैं, तो इस बात का ध्यान रख के आप प्लेट्स बनाइए इसमें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें गैदर्स नहीं पड़नी है। इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, तो प्लेट जब डलती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। गैदर अलग लुक देगा, लेकिन इसमें हमें प्लेट्स ही डालनी है, तो हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। तो देखिए इस तरह से एक तरफ प्लेट्स पड़ चुकी है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही प्लेट्स डाल दूंगी, सेम जैसे हमने पहली तरफ डाली है वैसे ही सेम हमें दूसरे साइड भी डालनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोग के बीच में शेयर करिए, अपने फ्रेंड लोग के बीच में। हमें नीचे साइड पे भी बराबर से ही प्लेट्स डालनी है, इधर उधर नहीं डालनी है, बिल्कुल जो सेम डायरेक्शन में ही हमें डालनी है ये। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बना दिया, इसमें प्लेट्स डाल दिए दोनों साइड पे। अब मैं अपनी इसको स्लीप पे रख के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए हम इस तरह से स्लीप के ऊपर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। जो गैपिंग थी इसके अंदर इसे एडजस्ट करना है, बिल्कुल सही से एडजस्ट करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे पिनअप कर दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए, इधर उधर ना खिसके। अगर आप चाहें तो इसे पहले कच्चा कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इसे लगाइए। तो मैं सबसे पहले इसे पिनअप कर लूँगी इसके चारों तरफ पे। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसके चारों तरफ पे पिनअप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे जो फैब्रिक ग्लू आता है उसकी हेल्प से भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद हम इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह मैं इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा इसमें नहीं रखना है। तो देखिए इसे हम इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर साइड पे भी मैं सिलाई लगा दूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है, ये पूरी तरह से देखिए स्टिच हो चुका है। इसके बाद जो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट करके निकाल दिया है। अब देखिए सीधे साइड से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें लेस लगाऊंगी, जो कि गोल्डन कलर की लेस ले रखी है मैंने।
तो देखिए सर, हम इस पे रख के इसको लगा देंगे। तो आइए मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर आप इसमें लेस नहीं लगाना चाहते तो ये आपके ऊपर है। तो देखिए इस तरह से हम, अब मैं आपको लेस लगा के दिखाऊंगी। इसके चारों तरफ पे लेस लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके बॉटम में भी लेस लगा सकते हैं। तो देखिए आपको मैं अपनी स्लीव को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पफ स्लीव बन के मेरी रेडी हो चुकी है, जो कि डिज़ाइनर है। होप यू आर लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।